नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और Telegram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग चैनल्स को देखा होगा, या आप में से बहुत से लोगों का खुद का चैनल होगा, या ऑनलाइन किसी न किसी को फॉलो करते होंगे ताकि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब यही सेम फीचर भारत में आपको WhatsApp ने भी दे दिया है, जहाँ से आप अपने पसंद के चैनल को WhatsApp पे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप खुद का अपना चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप लोगों से जुड़े रहें। लेकिन ये फीचर अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं व्हाट्सएप के इस अपडेट से आपको क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले WhatsApp फीचर के बारे में बात करते हैं। इसके फीचर को अपने WhatsApp पे लाने के लिए पहले आपको अपना WhatsApp अपडेट करना जरूरी है। अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं तो अब आपको एक ही जगह सारे अपडेट मिल जाएंगे, क्योंकि उस चैनल को अगर कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है तो आपको फोटो, मैसेज या वीडियो के माध्यम से बता सकता है, और साथ ही उसका लिंक भी शेयर कर सकता है, जिसपे क्लिक करके आप उस इन्फॉर्मेशन को देख या पढ़ सकते हैं। और अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो या अनफॉलो करना चाहते हैं, या फिर उसके मैसेज या अपडेट को चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ फाइंड चैनल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सभी चैनल देखने को मिल जाएंगे, और जिस चैनल को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज चैनल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोस्टली एक्टिव, न्यू चैनल्स और पॉपुलर चैनल्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। और साथ ही अगर आपको कंट्री वाइज चैनल को फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने पसंद के चैनल को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके उस चैनल का नाम टाइप करेंगे, और ज्वाइन करने वाले उसके सामने प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ जो चैनल आपने ऐड किए हैं वो इस तरह से आ जाएंगे, और जिस चैनल के भी अपडेट या मैसेज को चेक करना है उस पे क्लिक करेंगे, जहां आप स्क्रॉल करके सभी मैसेज को ऊपर नीचे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो YouTube की तरह ही इस ऊपर नोटिफिकेशन बेल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप किसी चैनल को बाद में अनफॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ तीन डॉट्स पे क्लिक करें और अनफॉलो पे क्लिक कर देंगे तो वो चैनल आपकी एड लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ स्टेटस वाली जगह आप देख सकते हैं कि अपडेट का ऑप्शन आ गया है, तो अब आपको अगर अपना नया स्टेटस अपडेट करना है या फिर अपना या दूसरों का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए पहले अपडेट पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर स्टेटस का आपको ऑप्शन दिखेगा, जिसका भी स्टेटस आप देखना चाहते हैं, उस चाहे खुद का हो या दूसरों का, बस उस पे आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप नया स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं तो नीचे इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके कुछ भी शेयर कर सकते हैं। अब इस फीचर के बेनिफिट्स क्या है? दोस्तों, मेरे हिसाब से इस फीचर का फायदा सभी को है, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल यूजर हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई क्रिएटर हो। मान लीजिए आपको न्यूज देखने का शौक है और अपनी पसंद के चैनल्स को हर जगह सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, लेकिन उस चैनल के अपडेट को देखने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे जाना भी जरूरी है, जिसकी वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस कर देते हैं। ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल को भी YouTube पे फॉलो करते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट नहीं करते तो नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाते। तो इस केस में आप हमारे WhatsApp चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो जो भी हमारी नई वीडियो होगी वहां आपको उसका डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा, जिससे आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि WhatsApp सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके बिना मोबाइल एक अधूरा सा लगता है, जिसका यूज हम पर्सनल चैट और बिजनेस पर्पस के लिए रेगुलर करते रहते हैं। और अगर बात करें प्राइवेसी और सिक्योरिटी की, तो जिस चैनल को भी आप फॉलो करते हैं तो उस चैनल का कोई भी फॉलोवर ना तो आपको देख सकता है ना ही आप उसको देख सकते हैं, और साथ ही वो चैनल आपका मोबाइल नंबर तब तक नहीं देख सकता जब तक आपका नंबर उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव ना हो। सिर्फ वो चैनल आपकी प्रोफाइल नेम को देख सकता है, जो डिपेंड करता है आपकी प्राइवेसी सेटिंग पे। तो दोस्तों, ये था WhatsApp का न्यू फीचर जो इंडिया में लॉन्च किया गया है। और अगर आपकी WhatsApp से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे सही इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इन्फोसर्च, जानकारी ऐसी।